नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आगुप्रिया आर्य। चलिए अब केपी एक्सप्रेस कर्नाटका की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बीवाई विजेंद्र बीजेपी पार्टी के वर्तमान कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने एमएलसी टिकट से वंचित कर दिया है। अक्षय ने दिया मानुषी को सरप्राइज, आज लॉन्च होगा धनुष की द ग्रे मैन का ट्रेलर। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। केआरपुरम में यात्री जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों में यात्रा कर सकेंगे। चार्जिंग यूनिट में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, एक बार ठीक हो जाने के बाद हम केआरपुरम से 30 बसों का संचालन करेंगे। बिहार डॉक्टर शिक्षक बिजनेसमैन तक उठा रहे थे राशन कार्ड का लाभ, अब तक 4,968 ने किया सरेंडर। जबलपुर में ओबीसी आरक्षण का क्या है हाल, कहां कम हुए सीट समझे पूरा गणित। एमपी में अब सैटेलाइट से होगा फसलों का सर्वे, 3 नए पुरस्कारों का ऐलान। महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। महाराष्ट्र में गैर कृषि विद्यालयों की परीक्षा ऑफलाइन होगी, मंत्री सामंत। अनोखी टोपी में लगा है फेस मास्क और पंखा, गर्मी और कोरोना से एक साथ दिलाएगी छुटकारा। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं, कोर्ट में एएसआई की दलील। ललितपुर में फिर दुष्कर्म की वारदात, अब 8 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार। जब तक नीतीश सीएम तब तक सुरक्षित है मस्जिद, मदरसे व कब्रिस्तान, ज्ञानवापी मस्जिद है जेडीयू का बीजेपी पर नया निशाना। दीदी के देवर से हुआ प्यार तो युवती ने रचाई शादी, अब 2 लाख रुपए और बाइक लेकर भाग गया पति। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना, पूछा आपकी भगवान राम से क्या है दुश्मनी। भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री के कमीशन मांगने की शिकायत पर लिया एक्शन, चुप हो जाओ तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बुजुर्ग को हड़काने पर डीएम को देनी पड़ी सफाई। क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए 50 अरब डॉलर, कर्जे भी डूबे देशों की भी मदद। देश में कोविड 19 के खिलाफ 15 से 18 वर्ष के 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। पाक सीमा से सटे जैसलमेर में नंबर और उर्दू लिखे पकड़े गए सफेद कबूतर, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन में मदद कर रहा है फ्लिपकार्ट। शिवाजी के वंशज को राज्यसभा पहुंचने के लिए मातोश्री पर टेकना होगा माथा। अमेरिका में बच्चों पर टूटा कोरोना का कहर, सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कोविड 19 संक्रमित। एबी डिविलियर्स ने किया कंफर्म, आईपीएल 2023 में होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा। उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक म्यूचुअल वैलेंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण अब तक दर्जनों कंपनियों ने छोड़ा रूस, आज स्टारबक्स ने भी समेटा कारोबार। बेशर्मी पाखंड, तमिलनाडु के मंत्री ने निर्मला सीतारमण को दी चुनौती। कांग्रेस बोले हम भ्रष्टों की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने आए हैं, हम सत्ता बदलने आए हैं। रिया कपूर ने पिंक बिकनी में ढाया कहर, देखें वायरल तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा ने ढोल के बीट्स पर किया जबरदस्त भांगड़ा, पत्नी का अंदाज देख हैरान रह गए निक जोनस। रॉकी भाई को बनाना है गोल्ड किंग, ओटीटी रिलीज के बाद भी थिएटर्स में जारी है KGF 2 की आधी। अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने जमकर की पार्टी, देखें वायरल तस्वीरें। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने बर्थडे पर दिखाया बोल्ड लुक, वन शोल्डर स्ट्रैप येलो ड्रेस पहन सोशल मीडिया पर मचाया बवाल। शहनाज गिल ने ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने पर दिखाया किलर मूव, इंटरनेट पर आग लगा रहा है सना का डांस। केपी एक्सप्रेस में अब इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।